सोलन के कांग्रेस कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने पार्टी मजबूती को लेकर विस्तार से चर्चा की और आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति बनाई। इस मौके पर विधायक धनीराम शांडिल ने कहा कि वह निकट भविष्य में लंबित पड़े सभी विकासात्मक कार्यों को जल्द पूरा करेंगे और उन्होंने सोलन अस्पताल की दयनीय हालत पर चिंता व्यक्त की और कहा कि कांग्रेस के समय जितने उपलब्ध डॉक्टर थे उसमें इस सरकार के समय कमी आई है और इस विषय को उन्होंने गंभीरता से स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष रखा है। इस मौके पर उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव वह विकास के मुद्दों पर लड़ेंगे और चुनावों के लिए भी अभी से पूर्ण रूप से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने जो विकास के लिए कार्य हिमाचल में किए हैं उन कार्यों को लेकर वह जन जन तक जाएंगे और प्रदेश की चारों सीटों पर कांग्रेस को विजय बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी आने वाले 2019 के इलेक्शन के लिए एक अपनी कमर कस चुकी है और इसमें छोटी से छोटी डिटेल तक गांव तक हम स्वयं जाएंगे, सारे वर्कर जाएंगे, गांव में ही हम ठहरेंगे, उनकी समस्याएं जो होंगी वो भी देखेंगे और जो कांग्रेस में किसी प्रकार की मजबूती की कोई जो कमी नजर आए उसको भी हम दूर करेंगे। कांग्रेस एक बहुत अच्छी, मैं समझता हूँ सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे सशक्त पार्टी है, बहुत अच्छा यहाँ के लिए विकास दिया है। राजा वीरभद्र जैसे सरकार जो 6 बार स्वयं मुख्यमंत्री रहे हैं आज भी हमारे मार्गदर्शक हैं और हमारे किसी भी प्रकार से कोई शक नहीं कि आने वाले 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस विजय पताका फहराएगी और चारों की चारों सीट पर विजय हासिल करेगी।